विद्यार्थियों, हम घर्षण के बारे में पढ़ रहे थे। मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नंबर वन है प्रति क्रिया बल एफ। तो देखिए, मान लो ये कोई ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट mg कहाँ चला गया? नीचे। जितना बल मैं नीचे लगाता हूँ पृथ्वी के ऊपर, उतने ही दोनों सरफेस के कारण बाह्य दिशा में एक बल लगता है। इस बल को प्रतिक्रिया बल r से शो करता हूँ, ये r हो गया, ठीक। तो प्रतिक्रिया बल क्या होता है? दो सतहों के मध्य लंबवत बाहर की ओर लगने वाला बल। देखिए हमारे पास क्या हो गया, अगर कोई वस्तु नीचे है तो उसका भार, ये कहलाता है भार। भार हमेशा कहाँ लगता है? नीचे की ओर पृथ्वी के केंद्र के साइड लगता है। और दो सतहों के बीच लंबवत बाहर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रतिक्रिया बल आर कहलाता है। दूसरा आप वो तो देखिए इस डायग्राम में, मान लो कोई वस्तु एक इंक्लाइंड सरफेस पे है, ये कोण थीटा है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा, वस्तु का वेट mg नीचे की ओर लगेगा, ठीक। प्रतिक्रिया बल r यहां पर लग जाता है, क्लियर। ये अगर मैं देखूं तो ये कोण हमारे पास मैथमेटिकली थीटा आता है, ये थीटा, तो ये कोण भी कैसा जाता है? थीटा के इक्वल आता है। तो ये कोण भी कैसा जाता है? थीटा आ जाता है। अब वस्तु का भार mg नीचे है तो इसके घटक हम निकाल लेते हैं, तो ये कितना आता है? mg cos थीटा। और ये कैसा आ जाता है? mg sin थीटा के मान के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने अभी क्या बताया, प्रतिक्रिया बल r। प्रतिक्रिया बल r क्या है? दो सतहों के बीच लंबवत बाहर की ओर लगने वाला बल। तो अब आप देखिए, ये वस्तु ऐसे रखी है और ये ब्लॉक ऐसा है, तो लंबवत बाहर की ओर प्रतिक्रिया बल यहाँ पर लगता है। ये एंगल कैसा हो गया? थीटा। तो ये एंगल भी कैसा आ जाता है? थीटा की वैल्यू के इक्वल आता है, ठीक है। mg के कंपोनेंट mg cos थीटा, mg sin थीटा हम यहाँ पर ले लेते हैं। और ये डायग्राम हमारे लिए घर्षण के कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा काम आता है, उपयोगी है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब देखिए, मैंने कल आप लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर कोई वस्तु यहाँ पर है, ऐसा टेबल पे रखा हुआ है, ये F बाह्य बल है, तो इधर पर घर्षण बल ये लगने लगता है। दिस इज घर्षण बल, ठीक है। तो जैसे न्यूटन ने गति के तीन नियम दिए थे, वैसे ही हमारे पास यहाँ पर घर्षण के नियम होते हैं। तो ये कहलाता हमारे पास क्या? घर्षण के नियम। नंबर एक,
घर्षण बल, घर्षण बल बाह्य बल की विपरीत दिशा में सतहों के मध्य स्पर्श रेखी लगता। ध्यान रखिएगा, बाह्य बल ये है और ये घर्षण बल है, तो बाह्य बल के विपरीत दिशा में स्पर्श रेखी लगता है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बता ही दिया था, इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। लग कहाँ रहा है? इधर। दूसरा, घर्षण बल दो सतहों के क्षेत्र फल पर निर्भर नहीं करता बल्कि उन क्षेत्र फल जो संपर्क में है उस पर निर्भर करता। अब देखिए, मान लो दो सतह हैं, ठीक है ना, दो बॉडी हैं, एक का क्षेत्रफल ज्यादा एक का क्षेत्रफल कम है, लेकिन जैसे ये है और एक ये है, इसके संपर्क के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। अगर ये चिकनी है और ये खुरदुरी है, तो घर्षण बल ज्यादा होगा। यानी हमारे पास क्या हो गया, दो पृष्ठ ले लें, इन दो पृष्ठों के अगर हम क्षेत्रफल के बेस पे घर्षण निकालें, तो यह इन क्षेत्रफलों के ऊपर निर्भर नहीं करता, बल्कि कौन ज्यादा खुरदरा है कौन कम खुरदरा है उसके ऊपर ये क्या करता है, निर्भर करता है। तो यह क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर नहीं करता, बल्कि उनकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता। नंबर थर्ड देखिए, थर्ड जो घर्षण बल F है वो समानुपाती हो जाता है R के। समानुपाती के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में परिवर्तित करने के लिए हम एक अचर लेते हैं। इस अचर को हम क्या बोल देते हैं, म्यू। म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर के इक्वल आ जाता है। इस आर को हम क्या बोल देते हैं, घर्षण गुणांक बोल देते हैं। और यह घर्षण गुणांक जो होता है दोनों पृष्ठों की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। अब चूंकि स्थैतिक घर्षण अगर लेके चले तो ये Fs के बराबर होता है,
तो ये हो जाता है एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। ऐसे ही अगर हम लेके चलें तो ये है गतिक घर्षण, ये लेके चलें तो ये आपके पास एफ के इक्वल टू न्यू के इंटू आर। क्योंकि एफ एस का मान एफ के से बड़ा होता है इसलिए यू एस का मान यू के से कैसा आ जाता है, बड़ा हो जाता है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो घर्षण गुणांक में स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान ज़्यादा होता है। इतना अगर अपन ने पढ़ लिया है तो देखिए हम इन्हीं का उपयोग करते हुए घर्षण कोण का वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर यह है घर्षण कोण, को मैं लैम्डा से शो कर देता हूं। मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, ये विरामावस्था में है, इसके वेट एम जी को की प्रतिक्रिया आर, बाह्य बल को मैं कैपिटल एफ और घर्षण बल को मैं यहाँ पर एफ से शो कर देता हूँ। ये हो गया ओ ए बी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब मैं इनका परिणामी इधर निकालूं और ये कोण को मैं लैम्डा ले लेता हूं तो मैं इधर तो बना लेता हूं, ठीक, ये चला गया, ये चला गया। आप देखिए ये ओ ए इसको मैं बी कर देता हूं। तो घर्षण कोण को मैं कैसे डिफाइन करता हूं, ये देखिए घर्षण बल और प्रति क्रिया बल का परिणामी, यानी क्या हो गया घर्षण बल, ये हो गया स्थैतिक घर्षण, वस्तु अवस्था में है अथवा विरामावस्था में है। तो घर्षण बल और प्रतिक्रिया का परिणामी प्रतिक्रिया बल के साथ प्रतिक्रिया बल के साथ जो कोण बनाता है घर्षण कोण लैम्डा कहलाता है। ठीक, प्रतिक्रिया बल, ठीक है, और घर्षण बल का परिणामी प्रतिक्रिया बल के साथ जो कोण बनाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, घर्षण कोण लैम्डा बोल देते हैं। तो देखिए त्रिभुज ओ ए बी में, हम त्रिभुज ओ ए बी में चले गए, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है, इसको सी कर दीजिए। तो त्रिभुज यहां पर कर लीजिए आप त्रिभुज ओ सी बी में, ठीक है, इसको मैं क्या कर दूं, टेन लैम्डा ले लेता हूं। टेन लैम्डा अगर मैं यहां पर देखूं तो ये कितने के इक्वल हो गया, बी सी अपॉन ओ सी, ये हो गया बी सी अपॉन ओ सी। बी सी कितने के इक्वल है यहां पर, एफ एस के बराबर,
ये है एफ एस और ओ सी कितने के बराबर है, ये अगर अपन बात करें तो ये आर के मान के बराबर है। तो देखिए टेन लैम्डा बराबर एफ एस अपॉन आर। आज ही मैंने आपको यहाँ पर ये कराया था, यहाँ पर ध्यान रखिए एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, इसलिए एफ एस अपॉन आर इक्वल टू म्यू एस के बराबर हो गया। ठीक, इसलिए टेन लेमडा इस एफ एस अपॉन आर को मैं म्यू एस के मान के बराबर लिख देता हूँ। तो ये जो कोण आता है इसको मैं क्या बोल देता हूँ, घर्षण कोण बोल देता हूँ। तो इसको ऐसा डिफाइन किया गया फिजिक्स में, प्रतिक्रिया बल और घर्षण बल का परिणामी प्रतिक्रिया बल के साथ जो कोण बनाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, घर्षण कोण बोल देते हैं। इसी को आप एक और कर लीजिए, इसको नोट करके पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसमें आप कर लीजिए नत समतल का कोण, तो मैं थीटा से शो कर रहा हूं। आप कल्पना कीजिए कोई वस्तु इंक्लाइन सरफेस में रखी हुई है, ये वस्तु का मास है, ये कितने की इक्वल है एम जी, ये प्रतिक्रिया बल आर कहाँ चला गया, ये चला गया, एंगल ये कितना आ गया थीटा। अब भी मैंने ये बताया था कि ये कैसा होगा एम जी कॉस थीटा, ये मैंने अब भी बताया था, और ये कितना हो गया एम जी साइन थीटा। वस्तु नीचे की ओर लाने का काम कौन कर रहा है, एम जी साइन थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर प्रतिक्रिया यहां पर जो घर्षण बल है वो घर्षण बल यहां पर लगने लगेगा। इस घर्षण बल को मैं एफ एस से शो कर देता हूं। तो जब वस्तु नत समतल का फिसलने के पूर्व होती है तो नत समतल द्वारा जो कोण क्षैतिज के साथ बनाया जाता है नत समतल का कोण कहलाता है। देखिए ये वस्तु जस्ट नीचे उतरने की कंडीशन में है, लेकिन विरामावस्था में है, उसके यानी गिरने के पहले की कंडीशन में है। अगर ये गिरने के पहले की कंडीशन में है यानी ये बैलेंस है, बैलेंस है तो आप देखिए यहां पर ठीक है एम जी साइन थीटा इसको बैलेंस करेगा एफ एस को, और एम जी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा एम जी कॉस थीटा आर को, समीकरण नंबर एक। समीकरण नंबर दो, तो समीकरण एक
एवं दो से दोनों को भाग दे दो, एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा बराबर एफ एस अपॉन आर, एम जी कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। और अब भी मैंने आपको आज बताया था एफ एस अपॉन आर, ये आर है कितने के इक्वल होता है, म्यू एस के मान के बराबर हो जाता है। तो देखिए इसका रिजल्ट भी यही आ रहा है, टेन थीटा बराबर म्यू एस, ये नत समतल का कोण कहलाता है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। ये इसके बाद ये जाएगा और आपको इतना यहाँ से नोट करके कॉपी में लिखना ही लिखना है, ठीक है। ये आपका घर्षण है, होमवर्क दे रहा हूँ, घर्षण को कैसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है बताइए, और घर्षण के लाभ और हानि लिखिए। चलिए इतना करके रखिएगा।